Hey guys, good afternoon. You watching my channel DC Fitness Talks. तो guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेरॉइड के बारे में. तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं आपको बता सकूं कि स्टेरॉइड हमारी बॉडी के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. तो दोस्तों, मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाने वाला हूं और उन्हीं वीडियो के बिहाफ पर ही मैं आपसे बात करूंगा. कुछ बॉडी बिल्डर्स मैं आपको दिखाऊंगा जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि भाई स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. तो दोस्तों, वीडियो के अंदर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. तो दोस्तों, ये फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं. तो गाइज, इनका नाम रोमारियो है और दोस्तों, रोमारियो की एज लमसम 30 ईयर्स है. और दोस्तों, इस छोटी सी एज में रोमारियो ने इतना ज़्यादा स्टेरॉइड को यूज़ कर लिया कि इनकी बॉडी की पूरी काया ही पलट हो गई. आप लोग देख सकते हैं इनके फोरआर्म्स बहुत ही ज़्यादा वीक है, इनके बाइसेप्स बहुत ज़्यादा है, ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा हैवी है, इनके ट्रैप बहुत ज़्यादा हाई है, इनकी चेस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बैक भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके ट्रैप, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाई है. दोस्तों, ये होता है ओवर स्टेरॉइड यूज़ करने का नतीजा. ओवर स्टेरॉइड हो या फिर आप लोग स्टेरॉइड यूज़ ही नहीं करना चाहिए दोस्तों. स्टेरॉइड का काम होता है, एक बार आप उसे यूज़ करेंगे और उसकी हैबिट आपको हो जाती है. दोस्तों, स्टेरॉइड जब भी आप लोग लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक अजीब से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग धीरे धीरे आप लोग स्टेरॉइड्स के एडिक्ट बन जाते हैं और फिर रोमारियो जैसी हालत हो जाती है. गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि रोमारियो जब पब्लिक के साथ है तो लोग उनसे सेल्फी खिंचवा रहे हैं. एक तरह से उन्हें अच्छा लगता होगा कि भाई वो एक सेलिब्रिटी की तरह लोग उन्हें ट्रीट करते हैं. लेकिन रोमारियो ने एक दिन खुद अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब भी वो किसी पब्लिक प्लेस में इस तरह से निकलते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है. तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसे बाइसेप्स जिसे देख के आर्नोल्ड अंकल भी शर्मा जाए, मतलब बिल्कुल बाहुबली बाइसेप्स. आप लोग भी देख कर घबरा जाएंगे, बस उन्हें कॉपी गलती से भी मत करिएगा. तो गाइस, आप लोगों के सामने बाहुबली बाइसेप्स, बाहुबली. गाइस, मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये लोग घर से बाहर निकलते कैसे हैं. अरे वाह, आप तो मारे डालोगे अंकल, ने भी दांत दिखा दिए यार. तो गाइज, अब मैं आपके सामने एक ऐसे लेजेंड की वीडियो दिखाने वाला हूँ जिस, मतलब वीडियो को देखते हैं मैं तभी आपको बताऊंगा कि भाई मैं उन्हें इतना महान क्यों कह रहा हूँ. वो अभी हमारे बीच में नहीं है, आप लोग उनकी वीडियो क्लिप देखते ही समझ जाए. तो ये है प्रो बॉडी बिल्डर रिच पियाना, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे क्योंकि इनकी डेथ ओवर स्टेरॉइड लेने की वजह से 45 की एज में इनकी डेथ हो गई थी. और ये एक ऐसे अकेले बॉडी बिल्डर जिन्होंने पूरी मीडिया, पूरे यूट्यूब के सामने माना था कि ये स्टेरॉइड लेते हैं. इस रिच पियाना की लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा. दोस्तों, ये खुद भी एक बॉडी बिल्डर फैमिली से रिलेट करते थे. इनकी मॉम खुद एक बॉडी बिल्डर थी, जिसकी वजह से इन्होंने भी बॉडी बिल्डिंग शुरू की. दोस्तों, 11 साल की एज में इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी एक छोटी सी एज में. और 15 साल की एज में इनकी मॉम खुद इनकी एक ट्रेनर थी और 15 साल की एज में इन्होंने अपने कॉम्पिटिशन्स को लड़ना शुरू कर दिया था. तो 18 साल तक की एज तक ये कभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं जीत पाए, लेकिन 18 साल की एज में इन्होंने अपना पहला कॉम्पिटिशन जीता. और दोस्तों, 25 साल की एज में इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टेरॉइड को यूज़ किया. गाइज, एक YouTube वीडियो में रिच पियाना ने खुद बताया कि वो कितना ड्रग्स कितनी बार ले चुके हैं, उन्होंने कब ड्रग्स को लेना शुरू किया. और दोस्तों, ड्रग्स लेने के बाद उनकी बॉडी के अंदर कितना पेन होता था, कितना पेन रहता था, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा से ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती थी. क्योंकि दोस्तों, स्टेरॉइड एक ड्रग्स ही है. तो दोस्तों, अपने उस पेन को ख़त्म करने के लिए, शांत करने के लिए इन्हें ड्रग्स की ज़रूरत बार बार पड़ती थी. इसीलिए ओवर ड्रग्स लेने की वजह से इनकी डेथ हुई थी. तो दोस्तों, मरने से कुछ ही टाइम पहले रिच पियाना ने एक वीडियो में कहा भी था कि ड्रग्स को या फिर स्टेरॉइड को यूज़ ना करें. दोस्तों, मरने से कुछ ही टाइम पहले रिच पियाना ने अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया था, सप्लीमेंट ब्रांड. तो गाइज, आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई स्टेरॉइड यूज़ करने के बाद क्या हालत होती है. दोस्तों,
जो एक प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर होते हैं वो स्टेरॉइड को यूज करते हैं किसी डॉक्टर की सलाह के बाद, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, या फिर उनके ट्रेनर्स एक प्रो लेवल के ट्रेनर्स होते हैं तो उस उनकी एडवाइस के बाद वो लोग स्टेरॉइड को यूज करते हैं। लेकिन जो हमारे लेवल के जो बच्चे हैं वो लोग बस उनके ट्रेनर ने एडवाइस की, उन्होंने इंजेक्ट किया और बस बॉडी के अंदर एक अजीब सी उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन फील की, तो बस उन्होंने फिर एक और इंजेक्शन लिया, फिर एक और इंजेक्शन लिया और उन्हें बन जाती है उसकी हैबिट, उसके बाद हो जाती है उनकी बॉडी बिल्कुल ख़राब। दोस्तों इंजेक्ट मतलब स्टेरॉइड से हमारे दिल को सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे इतना ज़्यादा हाई कर देता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ होती है और उनका मेन कारण होता है स्टेरॉइड। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों कमेंट करिए जरूर बताइएगा आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो दोस्तों कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम एक और इसी तरह की बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने की, तब तक के लिए इंजॉय करिए।